हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीजा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। और मैं आ गई हूं लेके कि आपका नवंबर का मंथ कैसा जाएगा, यानी कि पाइसेस के लिए, मीन राशि वालों के लिए ये मंथ कैसा जाएगा। सो हम आपका लव लाइफ एंड आपका करियर दोनों देखने वाले हैं। सो लेट्स सी। So we have healing, we have postponement, we have moment to moment and we have transformation. तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपकी काफ़ी healing होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। किसी को लेके अगर आपके अंदर कुछ feelings थी, आपके अंदर कुछ emotions थे एंड वहाँ पर कोई अगर delay आया है, तो वापस से आप उस चीज़ को लेके कुछ steps लेते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। अगर कोई decision को आप delay कर रहे थे, कोई कुछ चीज़ों को अपनी relationship में आप नज़रअंदाज कर रहे थे, चाहे आप relationship में हो या आप सिंगल हो, बिकॉज जो लोग सिंगल हैं वहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एक ऐसा लग रहा है कि ऐसा तो है नहीं कि आप कम्प्लीटली सिंगल हो, ठीक है। कहीं ना कहीं कोई आपकी नज़र में है, कोई आपका क्रश है, या कुछ लोग सिचुएशनशिप में हैं, उस टाइप की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो आई डू फील कि वापस से वो हार्ट चक्रा अवेकन होता हुआ दिखाई दे रहा है, वापस से एक पर्सन को लेके इमोशनल फील करना, वापस से वो फीलिंग्स आ जाना, उसकी एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। बट अपने आप को एक्सप्रेस करना या ट्रस्ट करना उस प्यार वाली चीज़ पे, अपने आप को सरेंडर करना, वो चीज़ कहीं ना कहीं आपसे नहीं हो पा रही थी बिकॉज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस, बिकॉज ऑफ ट्रस्ट इश्यूज। बट नाउ यू आर टेकिंग अ स्टेप टुवर्ड्स दैट ट्रस्ट, ओके। नाउ यू आर टेकिंग दो स्टेप्स टुवर्ड्स बिल्डिंग दैट ट्रस्ट ऑन टू समवन। एंड आई डू फील कि आपके साथ ना कुछ एकदम से शॉकिंग या कुछ एकदम से मेजर कुछ होता हुआ दिख रहा है व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ इन द मंथ ऑफ नवंबर, जो आपने शायद से एक्सपेक्ट नहीं किया था, ठीक है। हो सकता है कि कोई पर्सन हो, उसको लेके आपको लगता हो कि नहीं यार, इसके साथ तो कभी कुछ नहीं हो सकता या कुछ भी ऐसा, एंड उसी पर्सन के साथ एकदम से चीज़ें चेंज हो जाए, उसी पर्सन के साथ आपको एकदम से कुछ अलग सा फील होने लगे, आप कुछ यू नो being on cloud 999 इस पर्सन को लेके, सो एकदम से कुछ ऐसे ड्रास्टिक चेंज आता हुआ दिख रहा है आपकी लव लाइफ में, ओके। लेट्स सी कि आपके करियर में क्या होने वाला है। अगेन ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे दो ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड्स हैं। हो सकता है कि आप अपने पर्सन से, जिस पर्सन की मैं बात कर रही हूँ, ये आपके हो सकता है वर्क लाइफ में हो, ठीक है, आपके करियर में हो, आप इस पर्सन से अपनी वर्क लाइफ के थ्रू मिलो, अपने करियर के थ्रू इस पर्सन से आप मिलो, तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। बात करूँ अगर मैं आपके करियर की, करियर में मेरे को ना इतनी ज़्यादा ऐसा कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि आप कुछ हटके करने वाले हो, बट अपनी विशेज़ को पूरा करने के लिए आप डेफिनेटली कुछ चीज़ें करते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ छोटे छोटे चेंजेस लाते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने लाइफस्टाइल के अंदर कुछ चेंजेस लेके आ रहे हो व्हेन इट कम्स टू योर करियर, बेसिकली मूविंग टुवर्ड्स सेल्फ कॉन्फिडेंस, मूविंग टुवर्ड्स सेल्फ एस्टीम, ओके, हाई सेल्फ एस्टीम, आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ती हुई दिख रही है आपके काम की वजह से। जो भी आप काम में कर रहे हो, आप अपने काम के अंदर और कॉन्फिडेंट फील करोगे, ठीक है, आप और फ्री फील करोगे, और ज़्यादा क्रिएटिव फील करोगे, आप अपने आप को जस्टिस दे पाओगे, और आपके आसपास अगर कुछ लोग हैं जो उस काम में इन्वॉल्व हैं, आप उन लोगों को भी जस्टिस दे पाओगे। आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं पहले आपके अंदर शायद से कोई स्टबननेस थी या कोई किसी टाइप की जिद थी जब बात आती है आपके काम को लेके, जो एक फॉल्स ईगो में कहीं ना कहीं चेंज हो जाता था, बट नाउ आप उस फॉल्स ईगो को हटाते हुए दिख रहे हो। एंड जैसे आप उस फॉल्स ईगो को हटाओगे, आपको समझ आएगा कि आपकी सेल्फ एस्टीम कितनी ज़्यादा हाई ऑलरेडी पहले से थी, बट बिकॉज ऑफ ईगो हम अपनी सेल्फ एस्टीम को बहुत लो कर लेते हैं, ठीक है। जब भी हमें कॉन्फिडेंस इश्यूज होते हैं या जब भी हमें सेल्फ एस्टीम इश्यूज होते हैं, वो आधे से ज़्यादा टाइम इसलिए होते हैं बिकॉज ऑफ फॉल्स ईगो, बिकॉज हमारा जो फॉल्स ईगो होता है ना, वो फियर बेस्ड होता है, और जो हमारी हेल्दी ईगो होती है वो सेल्फ रिस्पेक्ट के बेसिस पे होती है। तो अभी तक आप फियर के बेसिस पे ऑपरेट कर रहे थे, बट नाउ यू गोइंग टू ऑपरेट ऑन सेल्फ रिस्पेक्ट वाला कॉन्सेप्ट। सो आई थिंक दैट इज़ योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।